फिर हिंसा की आशंका बढ़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कोलकाता में बीजेपी ने शेल्टर होम खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शेल्टर होम में शरण ली है। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर सकते हैं, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और इसीलिए शेल्टर होम बना दिए गए हैं। बंगाल में हिंसा की आशंका एक बार फिर, बीजेपी कार्यकर्ता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मदद की गुहार लगाई जा रही है। शेल्टर होम बना दिए गए हैं जहां पर ये तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन पर हमला कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगातार हमला कर रहे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बीजेपी का आरोप है टीएमसी कार्यकर्ता एक बार फिर हमला कर सकते हैं। ऐसे में शेल्टर होम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बना दिए गए हैं जहां पर वो शरण भी ले रहे हैं, मदद की गुहार लगाई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर, बिखरती कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी का यह कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़ा हमला भी कर सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में शेल्टर होम पार्टी की ओर से बना दिए गए हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सेफ रह सकते हैं, जहां उन्हें शरण दी जा रही है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी ने शेल्टर होम खोला है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शरण ले ली है। अपने परिवार के साथ वो पहुंच गए हैं क्योंकि उन्हें अपने घर में डर लगने लगा है। टीएमसी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक कभी भी हमला कर सकते हैं, ऐसी आशंका है। तो शेल्टर होम में शरण ली जा रही है और मदद की भी गुहार बीजेपी कार्यकर्ता लगा रहे हैं।